हेलो व्हाट्सअप गाइस मानव इस विनोद बाद उठापा लेकिन सबसे पहले गाइस आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए है वी हैव वन कांस्टेंट वेरिएबल कॉल्ड सम जिसमें मैं 0.1 पॉइंट वन प्लस जीरो कर रहा हूँ एंड मैंने सिंपल उसको कंसोल करा रहा हूँ ठीक है मैं डायरेक्टली जा में ही बी एस एडिटर में उसको रन कर सकता हूँ मुझे कंसोल में जाने की नीड नहीं है बट द थिंग इज आप जो ये देख रहे हो गाइस यहाँ पे ये जो आउटपुट देख लीजिए भाई ये कहाँ का आउटपुट है जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट टू आपका जीरो पॉइंट थ्री हो सकता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो हो सकता है बट ये इतना लंबा चौड़ा जीरो के बाद एक लास्ट में फोर कहाँ से आ रहा है ये एक ऐसा हिसाब है भाई समझ रहे हो वाई जाक्रिप्ट यू नो सो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ आपको लगेगा यार ये बच्चों वाला क्यों वीडियो बना रहा है भाई बट इन रियलिटी बच्चों वाला नहीं है आपको समझना ज़रूरी है आप देख सकते हो कि गाइस मैं वर्ल्ड बेड जावास्क्रिप्ट कोर्स बहुत जल्द लेके आने वाला डोंट वरी भाई देरी सही लेकिन बहुत मस्त होने वाला ठीक है तो मैं कुछ इस तरीके से कहा इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा था एंड हेर वी हैव वन पार्ट जहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना रहता है ऑब्वियसली टॉगल करना पड़ता है ना तो वहाँ पे होता क्या ना कि इस एक वैल्यू आता है एक है ना एंड जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें तो उसके बेस पे जो वो क्वांटिटी uh, उसको भी मुझे वो करना है अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली उसको भी मुझे इंक्रीज करना है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ जूम कर रहा हूँ ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया तो मैं सोच रहा था भाई ये हो क्या रहा है क्योंकि मैंने जो किया है सब एकदम बराबर है देखो है ना सब एकदम बराबर है लेकिन फिर से ये देखो एक ना एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब वो जो वैल्यू है वो टोटली डिफरेंट आ जा रहा है लाइक मैंने जो प्रिसीजन डाला कि मुझे सिर्फ आफ्टर डेसीमल दो ही डिजिट चाहिए बट इतना लंबा आ जा रहा है ठीक है एंड टोटल आपका टैक्स फाइनल टोटल सब यहाँ पे है बहुत मजा आने वाला है गाइस आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलने वाला मैं पूरा एकदम ब्रांड न्यू तरीके से आपको बताऊंगा जो कोड आज तक नहीं देखा होगा मतलब खुद के तरीके से ठीक है बट आई होप एटलीस्ट अब आपको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस तो पता चल गया भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस तरीके का अगर वेड आउटपुट आ गया आप खुद सोचो ना अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी एंड इस तरीके का आपको आउटपुट आ रहा है आपका टोटल वो बोलेगा भाई इसको मैं पे कैसे करूँगा समझ रहे हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ तो जो बिगिनर्स होंगे जो सोच रहे होंगे अब ये तो बहुत ईजी है तो आप क्या करोगे आप सिंपल इसको बेसिकली इस तरीके से कर दोगे ये जो भी आपका सम होगा डॉट टू फिक्सड आप कर दोगे और बोलोगे भाई जो भी इसका आउटपुट आएगा दो में डिवाइड कर दो बेसिकली आफ्टर डेसिमल मुझे दो ही डिजिट चाहिए ये आप करोगे राइट एंड आई नो आप ये आपने यही सोचा होगा आप में से 90 परसेंट लोगों ने यही सोचा होगा ठीक है एंड कितनों ने सोचा था लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल राइट मैं रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि कैसे मुझे सॉरी सम टू तो है ही नहीं तो मैं uh, फिर से इसको रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे बराबर जीरो पॉइंट थ्री जीरो आ गया अब आप बोलोगे वाओ इट्स इजी बहुत ही सिंपल था ये ठीक है एंड एक और काम करता हूँ uh, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ एज इट इज़ अब लेट्स से नाउ मैं आप एक और एडिशन करना चाहता हूँ लेट्स से सम टू विल बी इक्वल टू मेरा ये जो भी सम वन होगा ठीक है ऑब्वियसली सम समन क्या है मेरा जीरो पॉइंट थ्री जीरो मुझे यहाँ पे 24 ऐड करना है मैं काम करता हूँ ये जो पार्ट है इसको मैं ट्वेंटी जीरो पॉइंट वन कर देता हूँ ठीक है so, सो इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी मैं ये बेसिक से रखा है मैंने जो कि एकदम ठीक है देखो पहले मुझे जीरो पॉइंट टू आया यहाँ पे मुझे जीरो पॉइंट टू जीरो आया क्योंकि मुझे उसका फ्रैक्शन चाहिए लाइक आफ्टर डेसीमन मुझे दो डिजिट इसलिए उसने दो डिजिट दे दी ठीक है अब ये जो मेरा सम वन है डैट इज़ माई ज़ीरो पॉइंट टू जीरो उसमें मैं ट्वेंटी फोर को ऐड करना चाहता हूँ सो माई आउटपुट विल बी ट्वेंटी फोर पॉइंट टू जीरो राइट सिंपल है ना तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सो इट्स अ सम टू कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ अब मैं हिट कर रहा हूँ एंड बुम गए सी मैंने क्या बोला था भाई मुझे सम टू जो है उसका आउटपुट दो जिसमें मेरा ये जो है उसका एडिशन कर दो लेकिन भाई उसने मुझे क्या दे दिया ये मेरा जो करंट मेरा क्या हम सब का करेंट ईयर क्या चल रहा है 2024 आ गया ना तो बता रहा है दो हज़ार चौबीस आई मीन भाई ये 2024 क्यों समझ रहे हो मतलब आप समझ रहे हो कितना अटपटा है अटपटा बोल रहा हूँ मैं भी मतलब वेड तरीका हो रहा है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है सबसे पहले तो ये जो था ये तो चलो ठीक है अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बट हाँ अगर इसको जीरो पॉइंट टू कर दोगे तो प्रॉब्लम आएगा मैं बताता हूँ इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं बताता हूँ एंड इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं अब आपको बताता हूँ उससे पहले गाइस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत मेहनत लग रही सच में जाप्ट के कोर्स के लिए है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मुझे बहुत खुशी होगी ताकि सब तक पहुंचे कि बहुत जल्द कोर्स आने वाला एंड मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट मंगो डी बी स्टेमल एंड सी एस एस कोर्स अपलोड कर चुका हूँ प्लीज़ इनको भी देखिए खासकर सी एस एस वीडियो को का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी सत्रह घंटे की वीडियो है गाइस ठीक है पार्ट वन पार्ट टू में है बट बहुत मेहनत की थी इसको भी प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकता है ताकि रैंक करे सब तक ये फ्री में पहुँच सके ठीक है तो देख लीजिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले बात तो इसको मैं बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ ठीक है एंड अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा ठीक है पहला आउटपुट वेड फिर ये फिर ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है जब आप इस तरीके से एडिशन कर रहे हो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होता क्या है कि मशीन को समझता है आपका बाइनरी डिजिट दैट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड देन वन मशीन को वही समझता है जीरो वन जीरो वन जीरो जो भी है अब होता ही है ना कि ये जो फ्रैक्शन या फ्लोटिंग पॉइंट जो हम लिख रहे हैं नंबर ये, ये जब हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते तो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता है एंड उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो खुद एक रिपीटेटिंग नंबर होता है चाहे वो आपका जीरो पॉइंट वन हो चाहे वो आपका जीरो पॉइंट टू हो तो इन दोनों का रिपीटिंग नंबर जो है अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी एज ए रिपीटिंग नंबर में ही आएगा है ना मैंने यहाँ पे रख रखा आई मीन दिया हुआ डेफिनेशन आप इसको जस्ट खुद से लाइक like, रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके है ना पॉज करके आप रीड कर सकते हो तो वो एक मेजर रीज़न था सबसे पहले तो उसको फिक्स करने के लिए हमने क्या कि मैंने टू फिक्स यूज़ कर दी एंड बराबर मेरा काम कंप्लीट हो गया बट जब बात आती है ई कॉमर्स वेबसाइट की गाइस व्हेन इट कम्स टू योर ई कॉमर्स वेबसाइट राइट तो इस तरीके से तो यहाँ पे तो मुझे भाई पूरा एडिशन करना है ना तो उस केस में मैं नहीं चाहता कि गाइस इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो ठीक है तो मैं आपको बताता तो हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ जब भी आप टू फिक्स्ड ये जो मेथड यूज़ करते हो होता ये है ना कि मुझे तो लग रहा है कि अरे या यार चलो मुझे मिल गया तीस पैसे मिल गए या मेरे को बेस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वैल्यू मिल गई बट इन रियलिटी वो आपको नंबर नहीं मिल रहा होता टाइप ऑफ लिखना पड़ेगा आपको है ना कंट्रोल एस सेव इन रियलिटी वो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है हम नंबर के साथ डील कर रहे हैं बट टू फिक्स आपको एक स्ट्रिंग देता है एंड जब आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक नंबर के साथ एडिशन करने जाते हो तो इंस्टेड ऑफ एडिशन वो आपका उसको कॉन्केट कर रहा है बेसिकली टू ज़ीरो टू फोर मतलब उसने जस्ट जोड़ दिया कॉन्केट कर दिया वो मुझे नहीं चाहिए था तो हम क्या करते हैं या बेसिकली जो प्रो डेवलपर्स होते हैं उनको मालूम है कि भाई ये तो स्ट्रिंग देगा ये गड़बड़ है तो वो लोग इसको ब्रैकेट्स के अंदर रख के वी हैव नंबर मेथड सिंपल इस तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो जो रिजल्ट मुझे चाहिए था 24.3 बराबर मुझे मिल गया सो दिस इज द स्टेप्स जो है ये गड़बड़ आने वाला तो टू फिक्स आप कर दीजिए एंड देन उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल या तो ये नहीं करना तो सिंपल इसी को ही आप यहां पे नंबर में कन्वर्ट कर दो बात ही खत्म फिर आपका ये सम वन विल बी ऑलवेज नंबर तो कोई टेंशन ही नहीं है देख लीजिए ये अब आप आपका नंबर हो गया थोड़ी देर पहले ये इसका टाइप ऑफ क्या था स्ट्रिंग था बट नाउ इट्स योर नंबर एंड जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे मिल गया सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड आपको पता भी चला कि जावास्क्रिप्ट आने वाला है काम चालू है मैं चाहता हूं कि इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक एक चीज एक एक मतलब जो ई कॉमर्स वेबसाइट होगा ना इस मैं नहीं ये आप ही बनाओगे मतलब बनाऊंगा तो मैं ही बट मैं इस तरीके से गाइस मैं आपको एक आपके सामने मतलब एक एक चीज़ इस तरीके से रख दूंगा वही है अब नौसन हो वही ठीक है मैं इवन नोसन में भी आपको दिखाता हूँ लेट्स से मुझे सिंपल uh, एक डिलीट uh, करना है ठीक है तो uh, आप देख सकते हो गाइस मुझे मैं अगर आप चाहते हो नोशन के ऊपर भी वीडियो की मैं कैसे मैनेज करता हूँ अपने वीडियोज मैं कुछ नहीं मैं सब ओपन रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से वो वीडियो के पार्ट्स होंगे होना होगा सब तो कैसे आप देख सकते हो एक एक चीज़ एक एक डेफिनेशन यहाँ पे है पहले मुझे क्या स्टेप फॉलो करना है दूसरा क्या स्टेप होगा तीसरा क्या चौथा क्या पाँचवा क्या तो इस तरीके से एक एक स्टेप हम जाएंगे जिससे आपको ही पता अच्छा पहले ये करना है फिर ये करना है मतलब हमें एकदम ई e कॉमर्स देखने की नीड नहीं है हमें बस एट अ टाइम एक टास्क को कंप्लीट करना है करते 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 जाना इस तरीके से आपका लॉजिक भी बिल्ड होगा एंड आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा एल्स आप एक ही बार में ई कॉमर्स बोलोगे तो गए वो कभी नहीं बनने वाला फिर ठीक है तो बहुत मज़ा आने वाला है मैं बस इतना चाहता हूँ ये तो चलो ठीक है कोई worry, नहीं एंड डोंट वरी डिजाइन ही नहीं होगा डिजाइन बहुत औसम होने वाला है ये रफ में मैं कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिक मेन है ना जाक्रिप्ट में तो तो ये जो सी एस एस कोर्स है ना गाइस प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए बहुत मेहनत की थी इस वीडियो में मैंने प्लीज़ ठीक है एंड पूरा सोर्स कोड फाइल सब कुछ दिया हुआ है इससे बेटर आपको पूरे पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला इंस्टीट्यूट uh, में भी नहीं मिलने वाला ये तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ क्योंकि सत्रह घंटा कोई बताने वाला नहीं है एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताया बट ये रैंक नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट कर दिया था पहले बट नाउ अगेन इट्स पब्लिक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इसको ठीक है या दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो को लेते हैं होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वो गॉड स्क्रीन गैप हो गया था बट इट्स फाइन प्लीज़ सब्सक्राइब uh, नहीं किया तो कर दीजिएगा अब नेक्स्ट टारगेट इज़ सेवन लैस सब्सक्राइबर्स होगा इस तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिल गया जल्द से जल्द जाके कोर्स अपलोड करने वाला हूँ ठीक है सो so, मिलता है मैं आपको कल की वीडियो में टिल दूँगा थैंक यू सो मच टेक केयर